जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हम लोग टाइम एंड वर्क का पार्ट वन देख चुके हैं, जिसमें हमने सभी क्वेश्चंस एलसीएम मेथड से करना सीखा। जिस किसी ने हमारा टाइम एंड वर्क का पार्ट वन नहीं देखा है, वो लोग इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट वन ज़रूर देख लें। उसमें हमने टाइम एंड वर्क के बेसिक क्वेश्चंस विद शॉर्ट ट्रिक डिस्कस किए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हाँ दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम आप तक मैथ्स एवं रीजनिंग के सभी टॉपिक्स के वीडियो विद कॉन्सेप्ट एंड शॉर्ट ट्रिक्स आप तक पहुँचाते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट टू। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बोलता है, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए प्रारंभ करें, तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। देखिए, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में, तो ए अकेला एक कार्य को 10 डेज में, बी अकेला उस कार्य को 15 दिन में, बी अकेला उस कार्य को 15 दिन में। इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो यहाँ से हो जाएगा 30। तो 10 दिन में कर रहा है 30 काम, ये होल वर्क हो जाएगा। होल वर्क हो जाएगा 10 दिन में कर रहा है 30, तो एक दिन का काम हो जाएगा इसका 3 यूनिट ए का। और बी कर रहा है 15 डेज में 30 यूनिट वर्क, तो एक दिन का काम हो जाएगा इसका 2 यूनिट। अब ये बोल रहा है कि यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें, मान लीजिए फर्स्ट डे बोल भी रहा है ए प्रारंभ करे, तो फर्स्ट डे क्या हुआ, ए ने का वर्क किया, ए कितना कर रहा है एक दिन में 3 यूनिट। सेकेंड डे बारी बारी से बोल रहा है, जब बारी बारी से काम करे, तो सेकेंड डे करेगा आप बी, बी का एक दिन का है 2 यूनिट। तो देखिएगा 2 दिन में कितना काम हो गया, 5 यूनिट। और टोटल हमारे पास कितना यूनिट है, 30 यूनिट। तो इसमें 5 में इतने से गुणा करेंगे, 30 से ज़्यादा ना हो, 30 के बराबर हो सकता है, तो 5 × 6 इज इक्वल टू हो गया 30 यूनिट। अब इधर जितने का गुणा इधर किया 6 का, इधर ही 6 का गुणा इधर कर दिया, मतलब 12 डेज में 30 यूनिट वर्क कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ए बी कॉमा सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ में एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से कार्य करे, तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। देखिए, ए 11 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में, और सी 55 दिन में, सी उसी कार्य को 55 दिन में। यहाँ से इसका एलसीएम हो जाएगा 220। ये हो गया तुम्हारा होल वर्क। यहाँ से 11 डेज में ए कर रहा है 20 यूनिट वर्क, तो एक दिन का इसका हो जाएगा 20 यूनिट। बी कर रहा है 20 दिन में 220 यूनिट, तो एक दिन का हो जाएगा यहाँ से 11 यूनिट। और 55 दिन में कर रहा है सी 220 यूनिट, तो यहाँ से हो जाएगा 220 में 55 का भाग दे देंगे, यहाँ से हो जाएगा 4 यूनिट। अब ये बोल रहा है ए के साथ में बी, मतलब ए तो काम कर ही रहा है, या तो फर्स्ट डे ए तो काम कर ही रहा है, ए के साथ में बी, एक दिन बी करेगा अगले दिन सी करेगा, तो एक दिन पहले दिन करा दे रहे हैं बी के साथ, तो ए का यहाँ से कितना है 20 यूनिट, और बी का यहाँ से कितना है 11 यूनिट एक दिन का, तो एक दिन में ए प्लस बी दोनों मिलकर कर लेंगे 31 यूनिट वर्क, 31 यूनिट वर्क कर लेंगे। अब सेकेंड डे क्या हुआ, ए तो काम कर ही रहा है, एक दिन बी अगले दिन सी, मतलब अगले दिन आ गया सी, तो अगले दिन जब सी आया, तो ए का तो एक दिन का काम है 20 यूनिट, और सी का एक दिन का काम हो जाएगा यहाँ से 4 यूनिट, ये यहाँ से हो जाएगा 24 यूनिट ए प्लस सी का एक दिन का काम। अब देखिए, यहाँ पे 2 डेज में काम कितना कंप्लीट हुआ है, 24 और 31, इसको ऐड कर दीजिए 55 यूनिट। और काम करना कितना है, हमारे पास होल वर्क है 220,
220 यूनिट, इसमें एस इस संख्या से गुणा कर लीजिए, 220 से ज़्यादा ना हो, 220 के बराबर हो सकता है। तो 55 में 4 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 220 के इक्वल आ जाएगा। जब 4 का मल्टीप्लाई इधर किया तो 4 का मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा, मतलब 8 डेज में 220 यूनिट वर्क कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए ए कर रहा है 20 डेज, बी 30 डेज और सी 60 डेज। यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 60, हो जाएगा कंप्लीट वर्क। 20 डेज में 60 यूनिट वर्क हो रहा है तो एक दिन में हो जाएगा यहाँ से 3 यूनिट वर्क। 30 डेज में 60 यूनिट तो एक दिन में हो जाएगा 2 यूनिट, और 68 में 60 यूनिट मतलब एक दिन में हो जाएगा 1 यूनिट वर्क। यहाँ बोल रहा है देखिए ए लगातार करे और हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करें। देखिए यहाँ से मान लीजिए फर्स्ट डे ए कार्य करे तो ए का एक दिन का कार्य है 3 यूनिट, सेकंड डे भी ए ही कार्य करेगा ये भी 3 यूनिट हो जाएगा। अब बोला थर्ड डे, तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर काम करें, मतलब ए तो कर ही रहा था इसके साथ बी और सी भी आ गए, तो ए का तो 3 यूनिट है ही, बी का यहाँ से 2 यूनिट हो जाएगा एक दिन का, और सी का एक दिन का है 1 यूनिट, तो मतलब यहाँ से 6 यूनिट वर्क हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से पहला दिन ये, दूसरा दिन तीसरा दिन, तीन दिन में टोटल काम कितना हो रहा है, तीन दिन में टोटल काम हो रहा है। एक दिन में पहले दिन हुआ 3, दूसरे दिन हुआ 3 और तीसरे दिन हुआ 6, 6 3 9 3 12 यूनिट काम। टोटल काम है कितने यूनिट, 60 यूनिट। 12 में ऐसी संख्या गुणा करिए जो 60 से ज़्यादा ना हो और 60 के बराबर हो सकती है, तो 12 में 5 का गुणा करेंगे यहाँ पे तो 60 यूनिट हो जाएगा, और इसी 5 का इधर गुणा किया है तो 5 का इंटू इधर भी करना पड़ेगा, तो 5 थे 15 डेज में इट होल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने ए तथा सी मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया, कुल मिलाकर कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। देखिए ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में, सी 20 दिन में। यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 60 यूनिट, ये हमारा होल वर्क है। 10 डेज में 60 यूनिट तो एक दिन में 6 यूनिट, 15 दिन में 60 यूनिट तो एक दिन में 4 यूनिट, 20 दिन में 60 यूनिट मतलब एक दिन में 3 यूनिट। अब क्या बोल रहा है, ए तथा सी मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, ए तथा सी तो 2 दिन में 2 डेज में तक कौन किया, ए प्लस सी काम किया। ए का एक दिन का काम है 6 और सी का एक दिन का काम है 3, तो एक दिन में हो गया 9 और 2 दिन तक काम किया मतलब यहाँ से हो जाएगा 18 यूनिट काम। तो ऐसे लगा लिया, बना लिया करिए, अगर मान लो कोई कन्फ्यूजन हो तो इस टाइप से आप बना सकते हैं। यहाँ से ए प्लस सी ने 2 डेज काम किया और 18 यूनिट काम ख़त्म कर दिया। अब टोटल था 60 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक का है आपका 60 यूनिट। अब यहाँ 18 यूनिट ख़त्म हो गया तो यहाँ बचा 42 यूनिट। अब यहाँ से यहाँ तक कौन करेगा, एक स्थान पर बी आ गया, अब मतलब ए चला गया, यहाँ से यहाँ तक करेगा बी और सी, तो बी का एक दिन का काम है 4 यूनिट और सी का एक दिन का काम है 3 यूनिट, तो ये 4 × 3 = 7 यूनिट। एक दिन में कर रहा 7 यूनिट, टोटल हमारे पास 42 यूनिट, 42 अपॉन 7 मैचिंग वैल्यू 60। अब कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में होता है 6, आप मार के चले आते हैं 6 डेज, बट यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कुल मिलाकर कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ।
मतलब 6 दिन तो ये लग ही रहे हैं, और 2 दिन यहाँ पे भी काम हुआ था जो ए प्लस सी ने किया था, तो मतलब 6 डेज प्लस 2 डेज इज इक्वल टू 8 डेज। ऑप्शन में 6 डेज मोस्ट प्रॉबली अवेलेबल ही होगा, आप 6 डेज मार कर चले आएंगे। क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ें उसके बाद उसका आंसर दें। आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा बी इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? देखिए, ए 12 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 18 दिन में कर रहा है। इसका एलसीएम हो जाएगा 36। यहाँ से आ जाएगा जब 12 दिन में 36 यूनिट, मतलब ये होल वर्क हो गया। 12 दिन में 36 यूनिट, तो एक दिन में हो जाएगा यहाँ से 3 यूनिट ए का। और बी करता है 18 दिन में 36 यूनिट, तो एक दिन में करेगा 2 यूनिट। अब बोल रहा है ये देखिए, यहाँ कोई ऐसा ग्राफ बना लिया करिए। टोटल यहाँ से 36 यूनिट, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का टोटल वर्क है 36 यूनिट। अब बोल रहा है कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, मतलब यहाँ पे कहीं पे ए ने काम छोड़ दिया, 3 दिन है ये, 3 डेज। इन 3 दिनों में कौन काम करेगा? बी। और यहाँ से यहाँ तक ए प्लस बी दोनों ने काम किया। देखिए 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो बी ने काम किया, बी एक दिन में करता है 2 यूनिट काम, तो 3 दिन में कर लेगा कितना? 3 दिन में कर लेगा 6 यूनिट वर्क। 6 यूनिट वर्क यहाँ से यहाँ तक हो गया 6 यूनिट वर्क, और टोटल है 36 यूनिट। तो यहाँ ये इतना कितना बचा? इतना बचा 36 माइनस 6 30 यूनिट वर्क। 30 यूनिट वर्क बचा, और ये करेगा कौन? ए प्लस बी दोनों। तो ए का है एक दिन का 3 और बी का एक दिन का 2, टोटल हो जाएगा 5 यूनिट। 5 यूनिट वर्क है एक दिन का, और टोटल वर्क है 30, तो क्या करना है? 30 यूनिट में 5 यूनिट का, बस ये हो जाएगा कंप्लीट 6 डेज में। इसे इस टाइप के बार ग्राफ बना के आप इसको कम्प्लीटली ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए अकेला किसी कार्य को 30 घंटे में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला उस कार्य को 40 घंटे में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर इस कार्य को समाप्त किया, कुल 770 रुपये में से ए का भाग ज्ञात करिए। देखिए ए कर रहा है 30 घंटे में काम, और बी उसी काम को कर रहा है 40 घंटे में। यहाँ से टोटल वर्क आ जाएगा 120 यूनिट, और 30 घंटे में कर रहा है 120, तो 1 घंटे में हो जाएगा 4 यूनिट वर्क ए का। और बी कर रहा है 40 घंटे में 120 यूनिट, तो 1 दिन का 1 घंटे में हो जाएगा 3 यूनिट वर्क। यहाँ से ए और बी की जो है ये 4 यूनिट 3 यूनिट, ये एफिशिएंसी निकल आई 1 घंटे में या फिर 1 दिन में, जो भी दिया हो यहाँ पर 1 घंटे में, तो 1 घंटे में दिए किया गया कार्य 1 घंटे में, तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी निकल आई 4:3। और ये बोल रहा है कि दोनों ने मिलकर इस कार्य को समाप्त किया, 770 रुपये इन्वेस्ट मिले, तो मतलब 4+3 यहाँ 4+3 7 की वैल्यू दी है हमारा 770, और ए का भाग पूछा, ए की एफिशिएंसी है 4, तो यहाँ से 4 की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। तो 770/7 × 4 यहाँ से कर दी इसको 110, यहाँ से आ जाएगा 440 रुपये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है एक ही कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, यदि दोनों मिलकर कार्य को 21 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? देखिए यहाँ पे ए रेशियो बी ले लीजिए, कह रहा है एक ही कार्य क्षमता बी से दोगुनी। अगर बी की मान लीजिए 1 है, तो एक ही हो जाएगी 2, क्योंकि दोगुनी है 1, दोगुनी हो जाएगी। ये दोनों मिलकर इस कार्य को, ये एफिशिएंसी आ गई, 1 दिन में किया गया कार्य। मान लीजिए ए करता है 1 दिन में 2 यूनिट काम, और बी करता है 1 दिन में 1 यूनिट काम, को 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं दोनों मिलकर। अगर दोनों मिलकर करेंगे तो 2 यूनिट + 1 यूनिट यहाँ से हो जाएगी 3 यूनिट एक दिन में ए प्लस बी का, और 21 दिन में समाप्त करते हैं मतलब × 21 यहाँ से हो जाएगा 63 यूनिट। ये हो जाएगा हमारा होल वर्क।
63 यूनिट। और ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो ए करता है एक दिन में 2 यूनिट और टोटल है 63 यूनिट, तो 63/2 तो यहाँ से हो जाएगा 31/2 डेज। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखिए, ए किसी कार्य को 9 दिन में करता है, मतलब ऐसे लिख लीजिए 9 डेज में। यहाँ से बोल रहा है बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। देखिए, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। मान लीजिए ए की अगर 100 है और 100 का 50% अधिक है, तो 100 का 50% हो गया 50 और 50% अधिक है 100+50 हो गया यहाँ से 150। इनकी इफिशेंसी निकाल लीजिए 2 और यहाँ से आ जाएगा 3। तो ए की आ जाएगी 2 यूनिट एक दिन की और बी की आ गई 3 यूनिट एक दिन की। अब वो बोला है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, तो मतलब यहाँ से टोटल वर्क निकल आएगा, एक दिन में करता है 2 यूनिट और 9 दिन में करेगा 18 यूनिट। ये आ गई आपकी होल वर्क हो गया। अगर एक दिन में ए कर रहा है 2 यूनिट और टोटल जो वर्क किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, तो 9 दिन में समाप्त करेगा मतलब 18 यूनिट हो गया हमारा होल वर्क। और बी का इस कार्य को कितने दिनों में करेगा बी, तो बी की एक दिन के 3 यूनिट और टोटल है 18 यूनिट और 18/3 = 6 में। ये होल वर्क था एक दिन का, ये यहाँ से निकल आई एफिशिएंसी बी की। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। ए तथा बी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। देखिए, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, मतलब अगर बी 1 है तो ए हो जाएगा 3। और बोला है वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम लेता। अगर मान लीजिए बी लेता एक्स, तो ये ले रहा है एक्स माइनस 60। यहाँ से जब एक दिन में एक यूनिट काम कर रहा है और टोटल डेज लग रहे हैं एक्स डेज, तो जब इसको एक्स इंटू 1 कर देंगे तो ये होल वर्क हो जाएगा। और जब इधर से इसका 3 एक दिन का है 3 यूनिट और टोटल डेज लग रहे हैं एक्स माइनस 60, और होल वर्क इक्वल रख दीजिए, बराबर कर दीजिए, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, x बराबर आ जाएगा 3x - 180। ये x इधर जाएगा और 180 इधर, तो 2x बराबर आ जाएगा 180, x बराबर आ जाएगा यहाँ से 90। अब देखिए, यहाँ से x की वैल्यू थी 90, तो मतलब b कर रहा है 90 दिनों में, तो a 60 दिन कम लेता है, तो b अगर 90 दिनों में कर रहा है 60 दिन कम मतलब 30 दिनों में करेगा। यहाँ से इसका एलसीएम हो जाएगा 90, ये हो जाएगा होल वर्क। 30 डेज में 90, तो एक दिन में 3 यूनिट, और 90 दिन में 90 मतलब एक दिन में 1 यूनिट। और ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ए प्लस बी जब करेंगे तो टोटल यूनिट हो जाएगा 4 यूनिट, और एक दिन का 4 यूनिट हो जाएगा ए प्लस बी का, टोटल है 90 90/4, तो 45/2 = 22 2 डेज। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला है ए का एक दिन का कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है, बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा किए गए कार्य का आधा है, सी अकेला इस कार्य 7 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए बी सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए, इसकी भी इफिशेंसी निकालनी है। अगर हम यहाँ पे सी 2 ले लेंगे, तो बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा किए गए कार्य का आधा है, मतलब तो बी द्वारा किया गया कार्य आधा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ए का एक दिन का कार्य बी द्वारा किए गए कार्य का आधा है, मतलब ए द्वारा किया बी द्वारा, तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, ये फ्रैक्शन में चला जाएगा। तो ऐसी वैल्यू लीजिए जो फ्रैक्शन में आ जाए, यहाँ ले लीजिए 4। जब 4 लेंगे तो बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा किए गए कार्य का आधा है, मतलब सी द्वारा अगर एक दिन में 4 किया जाए तो बी द्वारा किया जाएगा 2, और ए का एक दिन का कार्य बी द्वारा किए गए कार्य का आधा है, और ए का बी द्वारा किए गए कार्य का आधा मतलब ए का हो जाएगा 1। यहाँ से इसकी एफिशिएंसी आ गई तीनों की
ए बी सी की एक दिन में एक यूनिट, दो यूनिट और चार यूनिट। बोल रहा है सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है। एक दिन में करता है 4 यूनिट और 7 दिन में ये कंप्लीट कर सकता है, 7 डेज में कंप्लीट कर ले रहा है। और एक दिन में कर रहा है 4 यूनिट मतलब 28 डेज, 28 यूनिट हो जाएगा हमारा होल वर्क। क्योंकि समझे ना, एक दिन में कर रहा है सी 4 यूनिट और उसको कर लगने में समय लगता है 7 दिन, तो 7 दिन एक दिन में करता है 4 यूनिट तो 7 दिन में करेगा 28 यूनिट। इसके बाद बोल रहा है ए प्लस बी मिलकर इसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। देखिए ए प्लस बी मतलब सी, ए की हो जाएगी 1, बी की हो जाएगी 2 और सी की हो जाएगी 3, तो 1, 2 प्लस 4। एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी करेंगे 7 यूनिट वर्क और टोटल हमारे पास है कितना यूनिट वर्क, 28 यूनिट वर्क है टोटल। और एक दिन में करते हैं ए प्लस बी प्लस सी 7 यूनिट वर्क, तो यहाँ से आ जाएगा 4 डेज। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने अल्टरनेट डेज तथा एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।